वेलकम वेलकम गाइस। तो मैं न्यू वीडियो लेकर आ चुका हूँ और इस वीडियो में बात करूंगा बीएसएनएल नेटवर्क चेक इन योर एरिया, ठीक है, व माई एरिया भी हो सकता है। ये मेरे टॉपिक का जो मैं डिस्क्रिप्शन में टाइटल में दिया हुआ, ये तो ये आप आपके एरिया में कैसे चेक कर सकते हो उसी रिलेटेड ये वीडियो है। मैं यहाँ पर मैं आपको साइड में दे दूंगा कि मैं साइड में दे दूंगा स्क्रीन रिकॉर्ड में कौन कौन सी जगह पे क्या कैसे मैं यहाँ पर सर्च करके बता रहा हूँ कि कौन सी एरिया में आपका एरिया में बीएसएल का नेटवर्क क्या कैसे क्या चल रहा है। मैं चेक करके बताऊंगा इस वेबसाइट से। मैं वेबसाइट बता देता हूँ, आप क्या सर्च करोगे, बीएसएल नेटवर्क चेक, क्या सर्च करो गूगल में, बीएसएनएल नेटवर्क चेक। और बीएसएल नेटवर्क चेक सर्च करने से जो फास्ट जो वेबसाइट आएगा जिसका नाम है NPERF, बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज आएगा, आप उसको जरूर देख लेना। मैं टॉपिक में वापस आता हूँ कि बीएसएनएल के जो नेटवर्क कवरेज है वो कैसे कहाँ पर क्या होता है वो यहाँ पर इस वेबसाइट में बता देता है, ठीक है। तो मैं साइड में दे रहा हूँ तो देख लीजिए थोड़ा सा। और देखिए यहाँ पर जो मोबाइल जो देखा रहा है वो बीएसएनएल मोबाइल का 3G 4G 5G कवरेज मैप इन इंडिया फर्स्ट में आता है। ये मैं कैसे आया, मैं फर्स्ट में बता दिया कैसे मैं यहाँ पर वेबसाइट में आया, फर्स्ट में बता दिया कैसे आया। तो मैं साइड में दे दूंगा, मैं उसके लिए थोड़ा सा साइड हो गया। तो यहाँ पर बता रहा है कि बीएसएनएल मोबाइल सेलुलर डेटा नेटवर्क हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए इंडिया में सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पर आपको आपके आप जब इंडिया के पास बगल में जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या, यहाँ पर आप फर्स्ट में जब करोगे वहाँ पर कैरियर ऑप्शन आएगा। देखिए कैरियर लिखा रहा है, तो आप जब ड्रॉप डाउन में क्लिक करोगे उसमें आपके उसके बाद एयरटेल मोबाइल, जियो मोबाइल, वी मोबाइल, ये आप बीएसएनएल मोबाइल बताएगा। तो आप क्लिक कर लीजिएगा बीएसएनएल मोबाइल। तो क्लिक करने से यहाँ पर आ जाएगा। तो क्लिक करने के बाद देख लीजिए थोड़ा सा, थोड़ा सा हाँ, तो मैं थोड़ा सा इंडिया का जो मैप है मैं वो थोड़ा सा स्क्रीन रिकॉर्डर में लेके आ गया। तो देखिए यहाँ पर प्लस माइनस का ऑप्शन है यहाँ पर इन मैप्स में, तो बात की बात है। तो सर्च ईयर, यहाँ पर एक सर्च ईयर का ऑप्शन है, यहाँ पर एक सर्च ईयर का ऑप्शन है। तो सर्च ईयर का ऑप्शन में आपका जो जगह का नाम वहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर जो सर्च शेयर करने के बाद ही क्या क्या आएगा मैं उसको बता देता हूँ क्या क्या आ सकता है। देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, ठीक है। देखिए मैप में आपका जगह पे क्या क्या कलर आएगा जिससे आप सोच सकते हो कि आप देख सकते हो कि आपके एरिया में 2G है क्या, 3G है क्या, 4G है क्या, 5G है बीएसएनएल का। तो यहाँ पर मैं ये देख सकता हूँ। तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट में एक ब्लैक कलर का एक टावर का ऑप्शन है, वो क्रॉस दिखा रहा है। तो क्रॉस क्या होता है, क्रॉस यहाँ पर कोई नेटवर्क बीएसएनएल का नेटवर्क कवरेज नहीं होगा इसका ये सिंबल है। तो जब कोई पोजीशन पे ये जो ऑप्शन होगा आप सोच लीजिएगा कि ये नेटवर्क कवरेज नहीं दिखा रहा है। उसके बाद जो एक ब्लू कलर का है वो 2G दिखा रहा है। तो आप जिस जगह पे ये कलर होगा आप देख लीजिए कि उस पर 2G, वहाँ का 2G नेटवर्क होगा। उसके बाद ग्रीन है, ग्रीन, तो ग्रीन ये जो टावर दिखा रहा है सिंबल, ये 3G नेटवर्क का है। उसके बाद 4G दिखा रहे हैं एक ऑरेंज सिंबल पर, ऑरेंज आपका जगह पे जो जगह पे 4G से ऑरेंज सिंबल होगा तो उसके आप समझ लेना वहाँ पर 4G अवेलेबल हो चुका है, 4G आ चुका है। उसके बाद एक रेड जो टावर का ऑप्शन आएगा उसमें आप देख सकते हो कि 4G प्लस हो जाएगा उस जगह पे, ये देखिए 4G प्लस का ऑप्शन है। उसके बाद जो आता है जिस जगह पे ये जो कलर का जो ऑप्शन आएगा जो 5G दिखाएगा तो उस जगह पे 5G ऑप्शन आ चुका है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। मैं बता दिया कि आप सर्च करके
क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या ले सकते हो, क्या क्या जगह पे आप नेटवर्क हो सकता है आपका, डिटेल में बीएसएल का नेटवर्क क्या क्या जगह के आप आपका जगह पे क्या क्या बीएसएल नेटवर्क हो सकता है, क्या क्या बीएसएल नेटवर्क आपको आपका जगह पे कैसे रहेगा, कहाँ पर क्या है, 2G है क्या, 3G मैं बता दिया। तो ये था आज का वीडियो, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, न्यू न्यू इसी तरह का वीडियो मैं लेके जल्दी वापस आऊँगा, तो गुड बाय।